नमस्ते दोस्तों, एसआर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी जैसलमेर दुर्ग के बारे में, जो कि एक धान्वी दुर्ग था। आज हम बात करेंगे जालोर दुर्ग के बारे में, जो कि एक गिरी दुर्ग है। जालोर दुर्ग है, ये जालोर में जिले में ही स्थित है। तो देखते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। जालोर दुर्ग यह गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है और यह जालोर जिले में ही स्थित है। जालोर दुर्ग का निर्माण डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार बताया जाता है कि जालोर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। ठीक है, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम उन्होंने करवाया था। लेकिन वहीं डॉक्टर गौरी शंकर हरिराचंद ओझा जी कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण परमारों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और संस्थापक कर्ता भी परमारों को ही माना जाता है, क्योंकि जालोर दुर्ग पर पहले प्रतिहारों का शासन था और उसके बाद परमारों का शासन रहा था। इसीलिए डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी परमारों को इस दुर्ग का निर्माण कर्ता व संस्थापक कर्ता मानते हैं। यह दुर्ग है जो सोनगिरी पर्वत पर बना हुआ है। सोनगिरी पर्वतमाला उस पर यह दुर्ग बना हुआ है, इसीलिए इस दुर्ग को सोनलगढ़ कहा जाता है। इस दुर्ग के उपनाम है सोनलगढ़, कनकाचल, सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी दुर्ग और जालोर दुर्ग के नाम से यह जालोर दुर्ग जो जाना जाता है। ठीक है, सोनलगढ़, कनकाचल, सुवर्णगिरी और सुवर्णगिरी, एक है सुवर्णगिरी, एक है स्वर्णगिरी। ठीक है, अब हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इसके इतिहास में प्रसिद्ध एक शाखा हुआ था, वो हुआ था 1311 या 1312 के लगभग। यह हुआ था, जो ये शाखा हुआ था, ये हुआ था कान्नड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। यह युद्ध कान्नड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था। इस समय यहाँ पर कान्नड़देव और इसकी वीरांगनाओं ने जौहर किया था। हम इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं कि इसका प्रसिद्ध शाखा है वो प्रसिद्ध शाखा ये हुआ था 1311 1312 ईस्वी के लगभग। ये हुआ था, इस समय युद्ध हुआ था कान्नड़देव व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर आक्रमण इसलिए किया था क्योंकि 1298 ईस्वी में 1298 ईस्वी में गुजरात को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय करने के लिए इसने अलाउद्दीन खिलजी ने सेना भेजी थी उगुल खां और नुसरत खां के साथ। उगुल खां और नुसरत खां, इन दोनों के साथ अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना भेजी और वहां का सोमनाथ मंदिर को खंडित करने के लिए। जब ये सेना वहां से गुजर रही थी तो कान्नड़देव ने इनका मार्ग है जो रोक दिया था। तो इसकी जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी इसको मेवाड़ होकर जाना पड़ा। ठीक है, इसकी सेना को मेवाड़ होकर जाना पड़ा और वहाँ से जब ये वापस सोमनाथ की खंडित मूर्ति को लेकर इसकी सेना वापस आ रही थी तो कान्नड़देव के जो सैनिक थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी वापस आ रही थी उसको लूट लिया था। ठीक है, उस जो वहाँ से लूट कर जो सामान लेके आए थे उसको भी इन्होंने लूट लिया और सोमनाथ की जो इनके पास खंडित प्रतिमा थी उसको भी इन्होंने इनसे लूट लिया। तभी अलाउद्दीन खिलजी ने कान्नड़ देव को सबक सिखाने के लिए जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। जालोर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना लेकर आया था और जालोर दुर्ग था उसको चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन वहीं बीका दहिया राजपूत नामक का एक व्यक्ति था, उन्होंने राजा के साथ
विश्वासघात किया और अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उसको दुर्ग किले के अंदर जो गुप्त मार्ग जाता था उसका रास्ता बता दिया था। और कन्नड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ डटकर मुकाबला किया, लेकिन विजय की कोई आशा न देख कन्नड़ देव ने अपने पुत्र वीरम देव के साथ केसरिया वस्त्र धारण करके और भी योद्धा थे उनके साथ केसरिया वस्त्र धारण करके किले के बाहर अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट पड़े थे और वहीं पर ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनकी जो वीरांगनाएं थी उन्होंने इस दुर्ग के अंदर जौहर किया था, इस यानी कि 1311 या 12 ईस्वी के लगभग इस किले का पतन हुआ था और तभी ये साका हुआ था और यह किला है जो अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, यानी कि इस किले के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया था। ठीक है, अब हम इस दुर्ग की स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं, यानी कि जालौर दुर्ग है इसके अंदर क्या कौन कौन से महल बने हुए हैं, कौन सी बावड़ियाँ, इनके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जालौर दुर्ग पर जाने के लिए 4 पोल पड़ते हैं। ठीक है, प्रथम पोल आता है सूरज पोल, फिर आता है ध्रुव पोल, फिर चांद पोल और फिर आता है श्रेय पोल। ठीक है, प्रथम पोल सूरज पोल आता है, यह बहुत ही मजबूत और विशाल पोल बना हुआ है जिसके जो शत्रु सेना है वो इसको आसानी से तोड़ नहीं सकती थी। ठीक है, फिर ध्रुव पोल है, चांद पोल है, श्रेय पोल है, ये बहुत ही मजबूत और विशाल पोल बने हुए हैं। ठीक है, महलों की बात करें तो इसमें राजा मानसिंह का महल और झरोखे हैं। ठीक है, 2 मंजिला रानी महल है। ठीक है, महाराजा मानसिंह के झरोखे और महल बने हुए, 2 मंजिला रानी महल बना हुआ है, प्राचीन जैन मंदिर बने हुए हैं, सबसे प्राचीन जैन मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, चामुंडा माता का मंदिर व जोगमाया का मंदिर भी इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है, चामुंडा माता का मंदिर और जोगमाया के मंदिर भी इस दुर्ग के अंदर बने हुए हैं। ठीक है, दहियों की पोल भी यहाँ पर बनी हुई है, प्रमुख संत मलिक शाह की दरगाह भी इस दुर्ग के अंदर बनी हुई है और परमारकालीन कीर्ति स्तंभ भी, परमारों के शासनकालीन कीर्ति स्तंभ भी इस दुर्ग के अंदर बना हुआ है। इस दुर्ग की बावड़ी अंदर जलाशयों की बात करते हैं तो इस यहाँ पर जवाली नामक कुंड बना हुआ है। ठीक है, सोनभाव एक कुंड बना हुआ है और इनके साथ साथ ही अनेक यहाँ पर और भी जलाशय के प्रमुख स्रोत हैं जिससे कि जालौर दुर्ग था इसकी पानी की पूर्ति होती थी। ठीक है, और यहाँ पर सैनिकों के आवास गृह बने हुए हैं, अश्वशाला बनी हुई है। ठीक है, और भी यहाँ पर अनेक सारे भवन बने हुए हैं जैसे कि अन्न भंडार बने हुए हैं। ठीक है, ये थी जालौर दुर्ग के बारे में, इसका इतिहास और इसकी स्थापत्य कला के बारे में। जालौर दुर्ग है यह राजस्थान के पश्चिमी भाग के प्रमुख दुर्गों में से माना जाता है, प्रमुख गिरी दुर्गों में इसको माना जाता है। अब इसके हम नेक्स्ट हम बात करते हैं सिवाना दुर्ग के बारे में।